हे एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज मैं आप लोग के साथ फिर से एक मेकअप ट्यूटोरियल शेयर करने वाली हूँ। बहुत ही सिंपल मेकअप मैं आज क्रिएट करने वाली हूँ। तो यहाँ पे बस आ चुकी हूँ मैं तैयार होके, मतलब ड्रेस पहन के तैयार हो गई थी। और क्रीम और प्राइमर ना मैंने पहले ही लगा लिया था, तो मैं रिकॉर्ड नहीं की थी, बट मैं बता दे रही हूँ आप लोगों को। देन मैं यहाँ पर ना फाउंडेशन यूज़ की थी इन साइड का, बट मुझे ये ना फाउंडेशन बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा। मैंने ऑनलाइन ही नायका से ऑर्डर करके मंगवाया था, बिल्कुल भी मुझे अच्छा नहीं लगा यार। पूरा फेस जो है ना वाइट हो गया था, अजीब सा। मैं सोची थी बहुत टाइम के बाद, मतलब जैसे मेकअप करने के बाद थोड़ा सा फेस जब डल होगा ना तो सेट हो जाएगा, बट उस टाइम भी ये सेट नहीं हुआ था। मेरा फेस जो है ना वाइट नज़र आ रहा था। तो फाउंडेशन लगाने के बाद अच्छे से ब्लेंड कर लिया पूरे फेस पे। देन यहाँ पे मैं यूज़ कर रही थी इन साइड का ही कंसीलर, तो ऊपर नीचे आँखों को मतलब लगा लिया था मैंने। और यहाँ पे ब्यूटी ब्लेंडर से ही मैंने यहाँ पे ब्लेंड कर लिया था, और साथ में थोड़ा थोड़ा पाउडर लगा रही थी। जॉनसन्स बेबी का पाउडर बाबू का मैं यूज़ कर रही थी। और यहाँ पर जैसे भी मैंने बताया ना, मैं बहुत सिंपल मेकअप करने वाली थी। डेली बेसिक पर भी आप इसे यूज़ कर सकते हो, या फिर बिगनर भी इसे रोज़ ट्राई कर सकते हैं। न्यू ब्राइड के लिए भी बहुत अच्छा ऑप्शन है कि आप इस तरीके से मेकअप करके भी घर में रह सकते हो जब आपकी नई शादी होती है। तो यहाँ पे मैंने थोड़ा सा हल्का ब्राउन कलर लेके हल्के से आंखों के ऊपर में लगा लिया था। देन मैंने यहाँ पे थोड़ा सा हाइलाइटर लेके मतलब आंखों पे लगा लिया था। और फिर मैं यहाँ पे ना आईलाइनर लगा रही थी, तो मैं ये लैक्मे का यूज़ कर रही थी, मुझे यही अच्छा लगता है। मैं शुरू से ही स्टार्टिंग से मतलब इसे ही यूज़ करते आई हूँ, तो मुझे इससे बहुत अच्छा लगता है लगा के। और यहाँ पर फिर मैं यहाँ पे ब्लश लगा रही थी। ब्लश लगाने के बाद थोड़ा बहुत मैंने हाइलाइटर भी लगा लिया था, जिससे फेस देखने में अच्छा सा रौनक आ जाए। और मैंने आईलाइनर का ही ना टीका लगा लिया था, क्योंकि मुझे ना बहुत सारा वीडियो वगैरह मतलब शूट करना था ना इसीलिए। तो यहाँ पे अब फिर मैं यहाँ पे अपने आईब्रो को फिलअप कर रही थी, तो यहाँ पे मैंने सीज ब्यूटी का ना आईब्रो पेंसिल लिया है, ब्राउन कलर का लिया है। ब्राउन कलर ना हमारे शेड के हिसाब से ना मतलब फेस पे एकदम मिक्स अच्छे से हो जाता है, मतलब देखने में एकदम नेचुरल सा ग्लो लगता है। ब्लैक कुछ ज़्यादा ही डीप हो जाता है, तो मुझे वो अच्छा नहीं लगता है। और यहाँ पर फिर मैं लिप लाइनर से अपने लिप को कवर कर रही थी, तो यहाँ पर मैंने सीज ब्यूटी का ही यूज़ किया है लिप लाइनर। और ये मेरा फेवरेट लिपस्टिक है जो मैं अभी लगा रही हूँ और लगा भी ली हूँ। और मेरा साइड में डिंपल पड़ता है यार, मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है मेरा डिंपल। ऐसे हंसने पे नहीं आता, जब मैं लिप को ऐसे मैच करती हूँ ना तो ही निकल के मेरा डिंपल आता है, बट मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है। और यहाँ पे फिर मैं अपने आईब्रो को एक बार फिर से सेट कर ली थी, और यहाँ पे थोड़ा सा मस्कारा भी लगा लिया था। और आज मैं काजल लगाने वाली नहीं थी, क्योंकि मेरे आँखों से ना काजल निकल आता है, तो मतलब अजीब सा थोड़ा लगता है, गिर जाता है, तो अच्छा नहीं लगता है। तो मैं हल्का सा ब्लैक आई शेडो ही लेके ना स्मच कर ली थी आँखों के नीचे में। और ये रही, मैं हो गई तैयार। तो कैसा लगा आप लोगों को मेरा ये लुक? सिंपल सा मेकअप ट्यूटोरियल, बहुत मतलब ईजी है, आप ट्राई कर सकते हो घर पर भी ऐसे लाइक रहने के लिए, न्यू ब्राइड्स के लिए बेटर है। तो ये सिंपल सा लुक आज मैंने आप लोग के साथ शेयर किया है। कमेंट करके बताना ना भूले कैसा लगा। और भी बहुत सारी वीडियोस आने वाली हूँ, मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में।